सीरियो में सर 5 महीना हो गया। एक तो गली बीएमसी एरिया में बिल्डिंग जो है अभी डेवलपमेंट ग्रुप के लिए है, इस पे फोकस कर लेते हैं। आप रुक जाइए, मैं इनको तो सेटिस्फाई करना जरूरी है ना। तो आप हम उसको जो सारा सॉफ्ट कॉपी देंगे प्रोवाइड कर देंगे उसके बाद, और इसके बाद हम लोग किससे मिलने सोल्यूशन विद कौन कौन से एरिया इफेक्ट हो रहे हैं, क्या एरिया इफेक्ट हो रहे हैं, जो एरिया इफेक्ट हो रहे हैं उनके अलावा कौन से एरिया बचे, ऐसा डिसीजन हो जाएगा। और आप जितना डिटेल में मुझे एक अलग अलग स्टेट वाइज भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं। इफ यू कैन प्रोवाइड दैट सजेशन दैट इज वेरी गुड, वो एनालिसिस अगर आप कर ले क्योंकि आप ग्राउंड लेवल से परिचित हैं लोगों के बिना पे, तो डेवलपमेंट का हम लोगों ने जो दमन दीव में रिबन डेवलपमेंट के नाम से प्रशासन यहाँ पर एक रोड मैपिंग और हाईवे अथॉरिटीज बनाकर ये लोग बना रहे थे रिबन डेवलपमेंट के नाम पर, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड्स, इसके हाईवे बाउंड्रीज, बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन डिफाइन कर रही है। अब उसके लिए सजेशन ऑब्जेक्शन मांगे गए थे, जिसमें हम लोगों ने दमन दीव से कम से कम 7-8 हज़ार लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे। उसके बारे में अभी यहाँ पर प्रशासन ने हेयरिंग रखी थी, तो हम लोगों ने उसमें हमारी हेयरिंग में हमने सीओ सर जो है वेबो रिखारी जी से चर्चा की। तो अभी जो बिल्डिंग लाइन है और हाईवे बाउंड्रीज है और कंट्रोल लाइन है, उस पर हम लोगों ने काफ़ी नज़दीकी से चर्चा की, तो हमें पता चला कि भाई हाईवे बाउंड्रीज अभी जो रोडों के बाजू में बांधकाम होंगे वो डबल हो गई, मतलब कि अब जो पहले 12.5 मीटर का था रोड, अब वो 25 मीटर एक तरफ 25 मीटर और दूसरी तरफ 25 मीटर, पहले हुआ करता था 50 मीटर में दोनों तरफ आ जाते थे 25 मीटर में सॉरी, तो अब 50 मीटर हो गया है। वैसे ही अब 15 मीटर था वो 30 मीटर हो गया, तो काफ़ी यानी कि डबल सभी जगह पे डबल मार्जिन कर दी गई है। तो हमारा उसमें ही विरोध है कि आप सीओ सर कह रहे थे कि भाई महाराष्ट्र और गुजरात से हम लोगों ने हाईवे एक्ट को एडॉप्ट किया है और उसी हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जहाँ का नगर पालिका का एक वार्ड देख लो तो दमन के क्षेत्र से बड़ा होगा। आज हमारा जो दमन दीव है वो 72 स्क्वायर किलोमीटर में समाप्त हो जाता है। आज महाराष्ट्र और गुजरात में आप जाके देखोगे तो वहाँ का एक पंचायत और नगर पालिका का एक वार्ड दमन दीव से बड़ा होता है। अब उनकी लैंड के साथ हमें दमन दीव की लैंड को कंपेयर करना वाजिब नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसे में भी दमन दीव बहुत छोटा प्रदेश है जिसमें एग्रीकल्चर लैंड से लेकर हमारा जो है उसमें लगा हुआ है एक तो समंदर किनारा, उसमें से नदियों के चार किनारे, उसमें हमारे सीआरजेड लगते हैं, उसमें हमारे कोसगढ़ है तो कोसगढ़ के हमारे फनल लगते हैं, आर्कोलॉजी लगती है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो इंडस्ट्रीज है। वैसे में मैं रोड मार्जिन इतनी ज़्यादा बढ़ा देना दमन दीव का डेवलपमेंट नहीं होगा, दमन दीव का विकास नहीं होने वाला, दमन दीव में विनाश होने वाला। तो हम लोग उनको यही बता रहे थे कि डबल मार्जिन करना बहुत मुश्किल है, और ये अगर नोटिफिकेशन लागू हो जाता है तो दमन दीव में विकास नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। तो हम लोगों ने हमारे ऑब्जेक्शन उनके सामने रेज किए और काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव भी लगी, जैसे कि उन्होंने कहा कि दमन की सेरिया, हम जो इंटरनल सेरियों के रोड है या विलेज के इंटरनल रोड है वो उसमें शामिल नहीं किए गए, और जितने नोटिफाइड है आज तक रोड जो हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है या विलेज रोड है, जो पहले से ही नोटिफाइड है उनको ही ये क्राइटेरिया लगेगा। तो वो समझ में आया, मगर कल को अगर वो रोडों को वापस नोटिफाइड किया कर दिया गया तो कल को वो भी सब ये क्राइटेरिया में आ सकते हैं। तो उस सब चीज़ों को लेकर हमने डिस्कशन किया, आखिर का डिस्कशन करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे कि काफ़ी रोड है जिनको फिर से रिसर्वे कर वो रोडों को वापस वहाँ नोटिफिकेशन से निकलना पड़ेगा और नया नोटिफिकेशन लाना चाहिए, जिसमें कौन से रोड कहाँ का रोड कौन से क्राइटेरिया में वो होना चाहिए, और अभी का जो मार्जिन है जो हाईवे बाउंड्रीज है, बिल्डिंग लाइन है और कंट्रोल लाइन है वो डबल है, तो इतनी ज़्यादा लगाने से दमन दीव में लैंड ही नहीं है, इतनी ज़्यादा लैंड ही नहीं है दमन में। लोग छोटे छोटे प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, उनके घर मकान दुकान और कंस्ट्रक्शन करना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाएगा। तो हमने कहा है कि इसका रिसर्वे किया जाए, वापस ये रोडों को भी वापस नोटिफाई किया जाए और ये जो क्राइटेरिया है उसको मिनिमम किया जाए ताकि लोगों के घर मकान दुकान बच सके और दमन दीव का
विकास हो सके। और हमने उनको भी सिरोटी दी है कि दमन दीव का हर एक इंसान चाहता है कि दमन दीव में विकास हो, और हम लोग प्रशासन के इस विकास कार्य में सहभागी होना चाहते हैं, मगर उस सहभागी हम लोग होना चाहते हैं, उनके कदम से कदम मिलाना चाहते हैं, अगर वो हमारे लोगों के बेनिफिट के लिए वो क्राइटेरिया लाए। और सीओ सर ने कहा है कि पहली हेयरिंग है, दूसरी हेयरिंग होगी और उसमें सारे लोगों को भी बुलाया जाएगा, और हमारे जो ऑब्जेक्शन है और जो हमारे सजेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा जितने कंसीडर कर सके, और फिर से उस बाबत पर एक फाइनल हेयरिंग भी होगी। और हमें उन्होंने मैप देने के लिए भी कहा है, और दूसरे डॉक्यूमेंट भी है जो हमने उनसे मांगे वो भी हमें प्रोवाइड करने के लिए कहा है, और भी ऑब्जेक्शन हो तो कभी भी 2 महीने के अंदर कर सकते हैं। तो दमन दीव के और भी आर्किटेक्ट है या ये टेक्निकल टीम से जुड़े है लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं जिनको इस बाबत में नॉलेज है, वो लोग अभी भी सजेशन और ऑब्जेक्शन यहाँ आकर वैभव जी को दे सकते हैं, और हम लोग भी एक टेक्निकल टीम बनाएंगे और इस विषय पर कितना पॉजिटिव हो सके उतना करेंगे। और आज की मीटिंग से हमें एक बात का पूरा विश्वास है कि प्रशासन लोगों को विश्वास में रखेगा और विश्वास में लेना चाहिए, क्योंकि बिना विश्वास के काम करने से लोगों में आक्रोश आएगा और खाली पॉकेट में अननेसेसरी यहाँ पर एक दूसरा एक एडमिनिस्ट्रेटर खड़ा होगा। तो हम चाहते हैं कि पॉजिटिव वे से चर्चा करें और दमन दीव में एक विकास का कार्य हो, तो उसके लिए आया था। और हमें विश्वास है कि प्रशासन ने जिस प्रकार से बात रखने का मौका दिया तो हर किसी को मौका देना चाहिए। दमन में 7,000 लोगों ने एप्लीकेशन दी है, तो हमने उनसे भी कहा कि उन सारे लोगों की भी बातें सुनी जाए। आज की जो हियरिंग थी वो रिपन डेवलपमेंट रूल्स जो कि गोवा दमन दीव हाईवे एक्ट 1974 के अंदर हम लोगों ने नोटिफाई की थी, जहाँ पे 4 कैटेगरी ऑफ रोड्स, स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स, इन 4 तरह की सड़कों के लिए बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन को फिक्स किया गया था ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के थ्रू। इसी से संबंधित हमने ऑब्जेक्शन एंड सजेशंस इन्वाइट किए थे और हमें काफ़ी सजेशंस भी मिले हैं, काफ़ी ऑब्जेक्शंस भी आए हैं। इन्हीं को लेकर के आज हियरिंग का प्रथम चरण हम लोगों ने संपन्न किया, जिसमें काफ़ी स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया और जितने भी बचे हुए स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बुलाया जाएगा आगे। ये इस पर भी निर्भर करेगा कि नेक्स्ट हियरिंग में हम लोग एक पब्लिक हियरिंग करने की सोच रहे हैं, जिसमें हम कुछ पंचायत को क्लब करके या म्यूनसिपैलिटी वाले एरिया को क्लब करके लोगों को बुला लेंगे, क्योंकि दीव से भी ऑब्जेक्शन आए हैं तो एक बार दीव से भी लोगों को बुलाना पड़ेगा। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि कम से कम 6 से 7 हियरिंग्स इसमें करनी पड़ेंगी, और उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और हियरिंग करेंगे। अगर तब तक सारे सजेशन हमारे पास आ जाते हैं और सारी बातें डिस्कशन हो जाती हैं, सारी बातों का पे डिबेट हो जाती है, तो हम फिर उसके बाद हियरिंग को समाप्त कर देंगे। करीबन जो है 600 से ऊपर हम लोग को सजेशंस और ऑब्जेक्शंस मिले हैं, अलग अलग हैं। कुछ लोगों ने काफ़ी अच्छे सजेशंस दिए हैं, कुछ लोगों ने सिर्फ ये दिया है कि हमें इस चीज़ को लेकर ऑब्जेक्शन है, तो इस तरह से टोटल मिलाकर के 600 से ऊपर है। लेकिन जहाँ तक टेक्निकल सजेशंस की बात है, करीब 30 के आसपास टेक्निकल सजेशंस भी हमको मिले हैं। अर्बन डेवलपमेंट देखिए कि यहाँ पर 1974 में जो दमन एंड दीव हाईवे एक्ट लागू हुआ था उसमें ही एक क्लॉज है 7 नंबर में के रिबन डेवलपमेंट सभी जगह पर हाईवे एक्ट में होना है। तो रिबन डेवलपमेंट में जो भी डेफिनेशन दिए गए थे, स्टेट हाईवे का है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड का है और विलेज रोड का, उसमें जो प्रावधान है ज़्यादातर हम जानते हैं कि भाई जितने भी PWD रोड है, जो बड़ी बड़ी मार्गे हैं हमारे दमन और दीव में, उसको मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में 1974 से ही डिक्लेयर किया गया था। और उसके बाद आप देख सकते हो कि अदर डिस्ट्रिक्ट रोड भी है जो विलेज में है, देवका रोड वगैरह है, वो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में उसके रेस्ट्रिक्शन PWD फॉलो करा दी थी। पहले 17.5 मीटर हुआ करता था मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड पे एक बाजू और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे 10.5 मीटर हुआ करते थे। तो उसमें अभी रिबन डेवलपमेंट जो नई जो व्याख्या अभी जो हाईवे एक्ट के मुताबिक ली, उसमें जो अभिप्राय मांगे गए थे उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई। काफ़ी लोगों की इसमें मतलब में लोगों का कहना था कि इसके आने से दमन का डेवलपमेंट रुक जाएगा, तो उसी बात को उसी भावना को लेकर हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोपाल भाई, महामंत्री वासु भाई, हम लोग जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई श्री सुरेश भाई, हमारे लालू भाई पटेल MP श्री सब लोग यहाँ पर थे और काफ़ी सारे NGO के लोग भी थे। विस्तृत में हमने चर्चा की, एक एक पॉइंट के ऊपर हमने डिस्कशन किया क्यों इसकी ज़रूरत है, क्यों हमें जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के जो रूल्स एग्जिस्टिंग है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है, बिल्डिंग लाइन को के क्यों बढ़ाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्यों कंट्रोल लाइन आगे लेकर ले जाने की बात हो रही है। हमने सबसे पहले हमारी बात इसमें कहते हुए वैभव रिखारी जी को ये बताया कि जब ये ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आपने रखा तभी इसके साथ पूरा प्लान होना चाहिए था,
जिस प्लान में आपने बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन डिफाइन होना चाहिए, ये बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन में जो जो लोगों के मकान आ रहे हैं या जमीन आ रही है, जो जिसे हम स्टेक होल्डर्स के थे, उनकी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि ये लागू होने से हमको नफा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो ये बात हमने रखी, उन्होंने इस बात को मानते हुए कहा कि प्रशासन इसके ऊपर एक ड्राइंग बनाएगी और ये जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन अभी रखा है उस रेस्ट्रिक्शन के मुताबिक जो भी स्टेक होल्डर्स है उनकी डिटेल भी दी जाएगी, उसके बाद हम वापस चर्चा करने का मौका देंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है। फिर हमने दमन में जो सीआरजेड का मसला है, आर्कोलॉजिकल का है, फिर एयर अपना एरोड्रम का जो हाइट का रेस्ट्रिक्शन वगैरह है, उन सबको ध्यान में रखते हुए दमन की जो 71 ही स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, दीव का 42 है, वो छोटे से एरिया में ऐसे स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं होने चाहिए, उसके ऊपर हमारी चर्चा हुई, जिसमें जो पीडब्ल्यूडी के डिप्यूटी सेक्रेटरी और चीफ ऑफिसर दमन म्यूनसिपल काउंसिल वैभव रिखारी जी ने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये जो भी चर्चा हो रही है वो बड़ी वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में, वो एकदम लोगों के अभिप्राय लेकर, लोगों से कंसेंसस लेकर, और उसमें ये रिजिड नहीं है, हम लोग उसमें जो भी आपके अभिप्राय आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए उसको लागू करेंगे। तीसरी बात हमने इसमें ऐसी इनसे रिक्वेस्ट की है कि आपने एक ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन, यानी कि सपोज डाभेल से लेकर 400 तक का जो रोड है वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, यहाँ पर अभी राइट ऑफ वे जो है, यानी एक बाजू 12.5 मीटर, दूसरे बाजू 12.5, यानी 25 मीटर का राइट ऑफ वे है, जिसको इन्होंने बढ़ा दिया है और उसको कर दिया है 50 मीटर। तो हमने इस बारे में कहा कि भाई एक रिजिड, यानी कि अब ब्लैंकेट रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सब राज्य में जहाँ जहाँ पर रिबन डेवलपमेंट लागू है वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई, यानी जहाँ पर अर्बनाइज एरिया है, जहाँ पर ज़्यादा बस्तियाँ हैं, तो वहाँ पर वो उस रेस्ट्रिक्शन को कम किया गया, ऐसे सभी स्टेटों का हमने एक वहाँ पर रेफरेंस दिया, तो वो भी उन्होंने बात मानी कि नहीं, इस बात को भी इनकॉर्पोरेट किया जाए कि जहाँ जहाँ पर ज़्यादा बस्ती है, जहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि भाई इस मार्जिन को बढ़ाने की, वहाँ पर हम उसको रिलैक्स करेंगे, तो हमारी वो बात भी उन्होंने मानी। और साथ में हमने जोर इस पर लगाया कि बिल्डिंग लाइन के बाद उतनी ही कंट्रोल लाइन की यहाँ पर बात कही गई है। कंट्रोल लाइन यानी क्या कि सपोज आज 25 मीटर रोड के सेंटर से 25 मीटर बिल्डिंग लाइन अगर आती है, बिल्डिंग लाइन के बाद और 25 मीटर कंट्रोल लाइन, तो बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि कौन सी बिल्डिंग आ सकती है। पहली बात उन्होंने सेलवास का एक रेफरेंस दिया प्रेजेंटेशन में, उसमें बताया गया कि 15 मीटर से ऊपर की कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, यानी हाई राइज की बिल्डिंग ये 25 बिल्डिंग लाइन और कंट्रोल लाइन के बीच में नहीं बनेगी, जिसके लिए हम सब ने इसमें आपत्ति हमारी हमने दर्ज कराई है। हमने कहा कि भाई दमन छोटा सा है और एक कानून में जो दमन एंड दीव हाईवे एक्ट 1974 है उस पर सेक्शन 7 में दूसरे नंबर के सब सेक्शन में कहा गया है कि सरकार चाहे तो बिल्डिंग लाइन या कंट्रोल लाइन कर सकती है। तो हमने इस बात को पकड़ते हुए साहब से ये हमने अनुरोध किया है कि ये जो कंट्रोल लाइन है वो दमन में नहीं होनी चाहिए। बिल्डिंग लाइन की अगर जब तक बात है तो दमन के फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, दमन 20 साल के बाद कैसा लगेगा उसके ऊपर ध्यान रखते हुए हम लोग रिजिडली ऐसा नहीं कहते कि ये गलत है, हम चाहते हैं कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और लोगों को पसंद आए और लोगों को और डेवलपमेंट भी हो, उस तरीके का इसमें से रास्ता निकालना चाहिए। तो उन्होंने एक बात मानी है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दमन में रीजनल प्लान जो है लागू है 2005 से लेकर 2021 तक, जिसके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल्स भी लागू है, तो अगर ये हम रिबन डेवलपमेंट लेके आते हैं तो वो DCR के साथ कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए, दोनों लॉ अलग अलग नहीं होने चाहिए, ये साइमल्टेनियसली नहीं साथ में होने चाहिए, जैसे दीव में आज प्रोसीजर हो रहे, तो वो बात भी उन्होंने मानी। और दूसरी बात विलेज रोड जो है, विलेज रोड के बारे में खास कहा क्योंकि हमारे यहाँ 24 गाँव है और इतने 11 विलेज पंचायत है, सारे पंचायत में मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ऑलरेडी है, उसके साथ साथ विलेज रोड पे जो रेस्ट्रिक्शन दिए गए, तो विलेज रोड के लिए भी हमने कहा, सुखा भाई पटेल ने भी खास कहा कि म्यूनसिपलिटी रोड जैसे एग्जम्प्टेड है, म्यूनसिपलिटी रोड में ये रिबन डेवलपमेंट लागू नहीं होने वाला है, उसी तरह विलेज रोड पे भी ये लागू नहीं होने चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि सभी विलेज रोड पे ये लागू नहीं है, वो डिफाइंड है, तो डिफाइंड कौन से है वो PWD का नोटिफिकेशन हमें भेजने के लिए उन्होंने कहा, जिससे कि हम उसके ऊपर और हमारे अभिप्राय दे सकते हैं। इन शॉर्ट में आज की इस हियरिंग के लिए मैं इतना कहूँगा कि अच्छे वातावरण में सभी के साथ अच्छा कंसेंसस डिस्कशन हुआ और जो जो पॉइंट्स हमने लिखा उसको मिनिटाइज करते हुए उन्होंने हमें डिटेल रिपोर्ट सॉफ्ट कॉपी के जरिए हमें मेल करने के लिए कहा है, प्लान उपलब्ध कराने के लिए कहा है, और करीबन 700 जन ने इसमें ऑब्जेक्शन लिया है, तो उन सभी को ये सुनने की ऐसे बात कर रहा है, सभी लोगों को प्रमुख लोगों को बुलाया था, तो उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया है कि बार बार इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और अच्छा लोगों के लिए जो सहूलत कर सके वैसा अच्छी एक नोटिफिकेशन रिबन डेवलपमेंट की लेके आएंगे जो फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट को भी कवर कर लेगा।
तो हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में जो 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 बात हमने वैभव रिखारी जी के सामने रखी है उन बातों के साथ वो दोबारा हमें एक डॉक्यूमेंट देंगे और उसके ऊपर विस्तृत में वापस चर्चा होगी। तो मैं यही दमन दीव की जनता को कहूँगा कि जैसे ही डॉक्यूमेंट आ जाएगा एक बार फिर हम इसको पब्लिसाइज भी करेंगे, हमारे प्रेस के मित्र और जो चैनल के लोग हैं वो भी बताएंगे, जिससे कि लोगों में अवेयरनेस आए और आप भी अपनी बात अभी भी रख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के दौरान आपने अपना अभिप्राय दी या नहीं दी, पर अभी भी वैभव रिखारी जी ने कहा है कि ये नया ड्राइंग के साथ हम जब वापस आपको डॉक्यूमेंट देंगे उसके बाद भी आप अपने सजेशन ऑब्जेक्शन दे सकते हैं।